मैं बहुत मुश्किल में हूं, कैसे रखूंगी तावीज तकिए में, और अगर खाला अम्मी ने देख लिया तो? मैं हूं ना, मैं बातों में लगा के रखूंगी उन्हें, बाकी तुम संभाल लेना। इस वक्त खाला अम्मी कहाँ हैं? वो मैंने उन्हें लॉन में जाते हुए देखा था, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम जल्दी जाओ अभी उनके रूम में, मैं उन्हें बातों में लगा के रखूंगी, तुम जाओ। क्या सोच रही हो, जाओ ना। ये गोली आपको हर दूसरे तीसरे दिन करनी चाहिए, आज मैं देख रही हूँ आप कर रहे हैं, रोजाना क्यों नहीं करते? एक दिन कम से कम छोड़ के कर लिया करें। सारे पौधे खुश्क हो रहे हैं, कब से पानी नहीं डाला इसमें? भाई आपने मोतिया लगाया, आंटी को बहुत पसंद है, लेकर आए थे आप? थैंक यू बेटा, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। अरे बेटियों का तो काम ही होता है ख्याल रखना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बहुएं नहीं बेटियां दी हैं। अच्छा आंटी, आपसे एक बात कहूँ? माँ होते हुए आप अपनी बेटी से कब तक नाराज रहेंगी? मैं नाराज नहीं हूँ उससे। अगर नाराज नहीं है तो फिर उससे पहले की तरह बात क्यों नहीं करती हैं? बस बहुत हो गया आंटी, अब मैं आप दोनों को इस तरह अलग नहीं देख सकती। मैं आप दोनों की सुलह करवा के रहूंगी। बल्कि आप एक काम करें, आप अपने रूम में जाएं, मैं नेहा को आपके पास लेकर आती हूँ ना, और आप अपनी नाराजगी इस दफा पूरी तरह दूर कर दीजिएगा। इसको मैं देख लूंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप अपने कमरे में जाएं, मैं आती हूँ। चलो ठीक है।